आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है और चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखिएगा यहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में एक टर्म आता है। सबसे पहले हम बोलते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ हेल्थ, ये हेल्थ क्या है। मैं यहां लिखता हूं कि हेल्थ किसे कहेंगे, तो आप सारे बच्चों के पास में एक सिंपल सा आंसर है सर, जब कभी कोई भी ऑर्गेनिज्म सोशली, मेंटली और फिजिकली तीनों तरीके से कंप्लीटली फिट है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे हेल्दी ऑर्गेनिज्म। कंप्लीटली फिट है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, हेल्दी ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। या उस ऑर्गेनिज्म की ये क्या कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी हेल्थ। ठीक है, दूसरी बात यहां पर आती है, हमारा मेन चैप्टर का जो मोटिव है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरीके से मेंटेन की जा सकती है या किस वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, चलिए डिस्कस करते हैं इसको भी हम लोग। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास में, मैंने कहा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों जरूरी है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली चीज है अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज का मतलब क्या हुआ, अर्ली मैरिज का मतलब यह हुआ कि अगर हम बात करते हैं मेल के अंदर या फिर हम बात करते हैं फीमेल के अंदर, दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसको आप बोलते हैं प्यूबर्टी टाइम पीरियड। कौन सा पीरियड होगा, प्यूबर्टी टाइम पीरियड। अगर मेल की बात करेंगे तो मेल के अंदर 11 से लेकर के 30 ईयर्स का होता है और फीमेल की बात करेंगे तो यहां 10 टू 12 इयर्स का होता है और फीमेल के अंदर प्यूबर्टी इस एज पर स्टार्ट हो जाएगी, बट दिस पर्टिकुलर फीमेल इज नॉट कंप्लीटली रेडी टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म बिकॉज दिस फीमेल इज नॉट फिजिकली फिट, यानी कि इसने गैमेट्स का फॉर्मेशन तो स्टार्ट कर दिया है लेकिन इसकी फिजिकल फिटनेस, फिजिकली ये फीमेल अभी रेडी नहीं है किसी भी बेबी को ग्रो कराने के लिए। इन द सेम सिचुएशन फॉर मेल कैंडिडेट्स, स्पर्म्स आर गोइंग टू स्टार्ट एट दिस स्टेज बट दे आर नॉट कंप्लीटली मैच्योर्ड। क्लियर। अब यहां पर हम एक बार बात करेंगे कि अगर हम शहरों की बात करते हैं या गांव की बात करते हैं तो गांव के अंदर लोग अपने बच्चों की शादियां बहुत जल्दी यानी कम उम्र में कर दिया करते हैं और शहरों के अंदर एजुकेशन हासिल करने की वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। गांव के अंदर क्या करते हैं, कम एज की लड़की की शादी कर दी, वो उस कंडीशन के अंदर फिजिकली फिट नहीं है। जब वो फिजिकली फिट नहीं होगी तो उस पार्टिकुलर फीमेल की बॉडी में जो बेबी ग्रो करेगा वो बेबी भी फिट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जो बेबी ग्रो कर रहा है उसके अंदर डिफॉर्मिटीज आ जाएंगी, कमियां पैदा हो जाएंगी, हो सकता है कि बच्चा अपंग पैदा हो सकता है कि बच्चे को पूरे तरीके से न्यूट्रिशन ना मिला हो। जाहिर सी बात है अगर कोई फीमेल फिजिकली फिट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जो बेबी ग्रो कर रहा है वो फिट नहीं होगा। जब बेबी फिट नहीं होगा इसका मतलब डिफॉर्मिटीज यहां पर आएंगी। क्या आएंगी, डिफॉर्मिटीज यहां पर आएंगी और जो बेबी होगा हो सकता है कि उसके अंदर आयोडीन की कमी होने की वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो जाए, हो सकता है कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर उसकी बॉडी में जनरेट हो जाए। तो इसीलिए अगर किसी फीमेल की बात करते हैं तो वो इस टाइम पर प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो गई है बट दिस पर्टिकुलर फीमेल इज नॉट रेडी फॉर मैरिज and this particular male is also not ready for marriage, that's why
गवर्नमेंट ने बहुत ही सख्त रूल बनाए हैं, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया है कि किसी भी फीमेल की एज कितनी ली है, 18 इयर्स, और मेल की एज कितनी ली है, 21 ईयर, ठीक है ना, 21 इयर्स, यानी 18 साल की फीमेल और 21 साल का मेल, तब जाकर के गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि इस एज के अंदर आपस में ये मैरिज कर सकते हैं, और इस सिचुएशन में जब ये मदर और फादर बनेंगे तो जो मदर होगी जो कंटिन्यूअसली 9 मंथ तक बेबी को अपने वॉर्म में ग्रो कराएगी, जो कि गेस्टेशन पीरियड होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी से भी न्यूट्रिशन जाएगा, मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन बेबी को जाएगा या नहीं जाएगा। तो अब मदर ही फिट नहीं होगी तो बेबी भी फिट नहीं होगा, लेकिन जब 18 साल की कोई लड़की हो जाएगी तो अब वो फिजिकली फिट है, यानी अब उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो बेबी को ग्रो कर सकती है फॉर 9 मंथ, ठीक है। चलिए तो हमारे पास सबसे पहले चीज क्या रही, अर्ली मैरिज, यानी कि जल्दी शादी करने की वजह से भी बहुत सारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनरेट होती है। दूसरा पॉइंट आता है एजुकेशन, एजुकेशन नहीं होगी अगर, देखिए शायद यहां पर नजर नहीं आ रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं दूसरा पॉइंट एजुकेशन। पहला पॉइंट हो गया अर्ली मैरिज, दूसरा पॉइंट हो गया एजुकेशन। अगर एजुकेशन लोगों के पास नहीं होगी तो अवेयरनेस नहीं होगी, जब अवेयरनेस नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो कम एज में ही शादी करेंगे। एजुकेशन हासिल करने की वजह से उनको पता चलेगा कि अगर लड़की कम एज की है या लड़का कम एज का है तो दोनों की जो गैमेट है वो फुल्ली मैच्योर्ड नहीं है, उन गैमेट्स को फुल्ली मैच्योर्ड होने के लिए कुछ वक्त लगेगा, जो वक्त गवर्नमेंट ने कितना डिसाइड किया है, 21 year old age for male candidate and 18 years old for female candidate. Now the both candidates are physically, mentally and socially fit and they can reproduce easily. They can form new baby easily. आसानी से baby का formation कर सकते हैं। लेकिन education इनके पास में अगर नहीं होगी तो इनके पास ये informations भी मौजूद नहीं होंगी, जिसकी वजह से ये कम एज में ही शादी करेंगे और कम एज में ही ये बेबीज को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनरेट होगी। एक और चीज, तीसरा चीज यहां पर आता है एसटीडीज, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस किस तरह से फैलती है, क्योंकि बात आई है यहां पर सेक्सुअल, सेक्सुअल का मतलब होता है बेटा सेक्स से रिलेटेड, चाहे वो मेल के लिए हो चाहे वो फीमेल के लिए हो, किसी भी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जरिए बीमारियां फैलती हैं उनको आप क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ी होगी, सबसे पहले डिजीज आपने पढ़ी है गोनोरी, एक और डिजीज आपने पढ़ी है बच्चों जिसको हम बोलते हैं सिफिलिस, और एक और है जो बहुत ही ज्यादा घातक है जिसको आप बोलते हैं एड्स, एंड विच एक्चुअली कॉज्ड बाय द एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है ना, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, तो आप बोलोगे सर आरएनए, कैसा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, पूछा जाता है। एड्स बीमारी जिस वायरस की वजह से होती है उसका आरएनए कैसे होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड, वैसे हमें मालूम है जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, लेकिन स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए सवाल में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी दे देते हैं। आपको मैं यहां पर एक और बात बता दूं बच्चों कि जो आरएनए होगा वो कभी भी डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, इट इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड, एंड इफ इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंड not the actual double strand, this is the pseudo double strand, pseudo का मतलब actual में वो double stranded नहीं है, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है, वो double stranded लग रहा है। इसीलिए आपको याद रखना है कि HIV का जो virus है उसमें जो genetic material होगा वो कैसा होगा, single stranded होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारी बीमारियां हैं जो कि sexually contact के जरिए फैलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास में होनी चाहिए, तब जाकर के हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रख सकते।
अगर हमने यहां पर कोई भी कमी की तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई सारे बच्चों बेटा? ओके दैट्स गुड। अब एक और चीज है जो कि आपके चैप्टर के अंदर यहां पर कायदे से एक्सप्लेन की जानी है, मैं थोड़ा सा इसको आपको बताना चाहूंगा, मैं रद्द करना चाहूंगा इसको। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि एक और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चों, देखिएगा अगला वाला है हमारे पास में। हमने कहा जो फोर्थ वाला स्टेप है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, वो है हमारे पास बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे कम पैदा करके भी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ तैयार कर सकते हैं। कैसे? कोई फीमेल है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी बच्चे पैदा करने की है? सिर्फ 5 बच्चे। लेकिन उस फीमेल के जरिए अगर रिप्रोडक्शन कराया जा रहा है मोर देन 5 बेबीज का, तो क्या उसकी बॉडी इसके कैपेबल है? नहीं है। मिसाल के तौर पर आप 10 किलो वजन उठा सकते हैं, आपके ऊपर 20 किलो वजन रख दिया गया तो आप उठा पाएंगे? बहुत मुश्किल होगी आपको उठाने में। इन द सेम वे अगर कोई फीमेल मैक्सिमम 5 बेबीज को प्रोड्यूस कर सकती है तो वो 5 बेबीज को ही प्रोड्यूस करेगी, वो ज्यादा बेबीज को प्रोड्यूस नहीं करेगी। अगर उससे ज्यादा बेबीज को प्रोड्यूस करवाया जाएगा तो अगला वाला जो बेबी होगा उसमें डिफॉर्मिटीज होंगी, हो सकता है बच्चा अपंग पैदा हो सकता है बच्चा काना पैदा हो जाए, और हो सकता है कि बच्चे की हेल्थ बेकार हो सकता है बच्चे के अंदर क्वाशरकोर की प्रॉब्लम हो, मैरसिस की प्रॉब्लम हो, एंड सो मेनी टाइप ऑफ द डिजीजेस व्हिच कैन अकर्स इन दैट पर्टिकुलर बेबी व्हिच आर कमिंग आफ्टर द 5th बेबी ऑफ दिस पर्टिकुलर फीमेल व्हिच इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग द मोर देन 5 बेबीज इन हर लाइफ। ओके चलिए, अब बर्थ कंट्रोल के हमारे पास में कई सारे तरीके हैं, लेकिन हमें यहां पर देखना है सबसे पहला तरीका आएगा, हम उसको बोलते हैं टेंपरेरी मेथड। टेंपरेरी मेथड ये एक ऐसा मेथड होगा जो वक्ती तौर से होगा, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं बेटा परमानेंट मेथड, और तीसरा है बेटा उसको आपने कहा एमटीपी। यू ऑल आर अवेयर अबाउट द एमटीपी, क्या है बेटा एमटीपी? बोलो, नहीं पता किसी को? ठीक है, एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेडिकली तौर पर खत्म करा देना, फिनिश करा देना। फीमेल प्रेग्नेंट हो गई लेकिन उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा देना, टर्मिनेट का मतलब फिनिश। शुरू हुई फीमेल प्रेग्नेंट होना लेकिन जैसे ही लगा कि हां भाई कि यहां प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती है तो फॉरन फिनिश करा दिया गया। दिस वन इज कॉल्ड एमटीपी, और ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया है एमटीपी के बारे में कि एमटीपी सिर्फ और सिर्फ 3 ट्राइमेस्टर गेस्टेशन पीरियड के जो कि 12 वीक के होते हैं उसमें पहले ट्राइमेस्टर तक ही कराई जा सकती है। अगर उससे अगले वाले में कराई जाएगी तो चांसेस उस मदर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ओके, फ्रॉम द पॉइंट टेंपरेरी मेथड की हम बात करेंगे तो बेटा यहां पर हमारे पास में आता है टेंपरेरी मेथड में सबसे पहला, उसको आपने कह दिया बैरियर। बैरियर जानने आप रोक देना, कहीं पर रोक देना, जैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, करंट को अपोज करना, करंट को रोकना। इन द सेम मैनर बैरियर ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस को टेंपरेरली रोकेगा, अपोज करेगा। दूसरा आता है बेटा हार्मोनल मेथड, तीसरा आता है नेचुरल मेथड, चौथा आता है बेटा केमिकल मेथड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से आप याद रखिए आपके नीट एग्जामिनेशन 2021 में क्वेश्चन आने की संभावनाएं पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन से। ओके चलिए, अब हम बैरियर की बात करते हैं बेटा। बैरियर जो कि रोकने का काम करेगा, प्रोहिबिट करने का काम करेगा, तो ये बैरियर 2 अलग अलग तरीके से पाया जाता है, जो कि मेल के अंदर भी होता है और फीमेल के अंदर भी पाया जाता है।
जाता है। अब यहां पर सवाल पैदा होता है सर, मेल और फीमेल दोनों के कॉन्डोम सेम होते हैं क्या? मेल का कॉन्डोम वन साइड ओपन, फीमेल कॉन्डोम बोथ साइड ओपन, राइट, दोनों साइड से ओपन होता है। और यहां पर कभी कभी पूछता है आपसे कि जो कॉन्डोम होगा वो किस सब्सटेंस से बना है, तो आप लोग बोलेंगे सर जी ये लेटेक्स से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? लेटेक्स, एक रबड़ जैसा सब्सटेंस होता है उससे बना होता है, उस रबड़ वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके एमयू के अंदर पूछा जा चुका है मेडिकल, ठीक है। फीमेल कॉन्डोम के बारे में जाहिर सी बात है फीमेल कॉन्डोम को फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्लेस किया जाएगा, और वहां प्लेस करने के बाद क्या किया जाएगा बेटा, वहां प्लेस करने के बाद में स्पर्म्स का इजेकुलेशन अंदर नहीं होगा, बाहर ही रह जाएगा, क्योंकि इसको सर्विक्स पर प्लेस कर दिया जाता है, इनसाइड द वजाइना, ठीक है।